देखो भाई, समय की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा बदलता है। अगर आज तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आएगा ही। जैसे कि अपने विराट कोहली भैया हर 2-3 हफ्ते में प्रूव करते ही रहते कि उनकी कमबैक कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। T20 has done, ODI has done, test done और अब IPL में भी काम चालू है। यानी जो बंदा लास्ट ईयर तक IPL में मुश्किल से क्रीज पे टिक पा रहा था, इस सीजन में आते ही पहले मैच से बॉल को ऐसे मिडल कर रहा था कि जोफ्रा आर्चर जैसा लीथल बॉलर भी इसके सामने अशोक डिंडा लगने लग गया। बेचारे MI फैंस ने 1.5 साल वेट करा आर्चर को खेलते हुए देखने के लिए और किंग कोहली ने 1.5 ओवर में ही भाई को ऐसा हेल्पलेस कर दिया। 28 रन मारे अगेंस्ट डेंजरस जोफ्रा आर्चर, विच इज द मोस्ट बाय एनी बैटर अगेंस्ट हिम इन T20s। अब देखो, अगर तुम मुंबई फैन हो तो तुम ये मैच हारने के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि भाई जो पिछले 10 साल से प्रथा चलती आ रही है उसको भी तो कायम रखना है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन अगर तुम साथ में विराट फैन भी हो तो ये इनिंग्स तुम्हारे लिए गिल्टी प्लेजर की तरह बन गई। और वैसे भी एज अ कोहली फैन 82 चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट आए रहेगा हमेशा स्पेशली। वैसे भी भाई कल 2 अप्रैल था अपने 2011 की वर्ल्ड कप की एनिवर्सरी और कोहली भैया ने एकदम सिमिलर सिक्स मार के गेम को एंड करा। धोनी भैया को ट्रिब्यूट भी दे दिया और टीम को मैच भी जिता दिया। लेकिन तुमने चाहे सिक्स मार के वर्ल्ड कप जिता दिया हो, गंभीर भाई हमेशा गंभीर ही रहेंगे, इनको कोई खुश नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो बात कहीं ना कहीं सही ही है बंदे की। बट एनीवे, अपने किंग कोहली की इनिंग्स में वापस आए तो कुछ टॉक्सिक फैन अभी भी लगे हैं किंग को क्रिटिसाइज करने में और लोग तो जलेंगे भी और कुछ ना कुछ बोलेंगे भी, लेकिन सच अपने सामने ही है। वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन भी इसी मैच पे इसी पिच पे खेल रहा था, जस्ट सेइंग। हाँ, वो अलग बात है कि कोहली भाई 2 बार ड्रॉप भी हो गए, लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव। बट ऑनेस्टली संडे का दिन और इस मैच की जितनी हाइप थी, पूरा पैसा वसूल मैच निकला। मुंबई ने वो करा जो हर साल पहले मैच में करती है और RCB ने वो करा जो MI के साथ 2020 से करती आ रही है। अपनी 5-टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस 0-टाइम RCB को अभी तक 2020 से IPL में हरा नहीं पाई है। और इस मैच में मुंबई की हार का रीजन वही था जिस चीज का हम फैंस को पहले से डर था। बॉलिंग में देखो लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखता है और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जिन 6 बॉलर्स ने इस मैच में बॉलिंग करी मुंबई के लिए, उनमें से एक ने भी पिछले सीजन में रेगुलरली नहीं खेला था टीम के लिए। सोचो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पूरा नया बॉलिंग अटैक है। यानी ऐसी सिचुएशंस में बुमराह जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जो टीम के लिए सालों से खेल रहा है, वो होता तो शायद इन बॉलर्स की थोड़ी हेल्प हो जाती। देखो पॉइंट समझो, बेरेंडॉफ, ग्रीन और आर्चर तीनों मुंबई इंडियंस टीम में एकदम नए आए हैं। ये अभी फ्रेंचाइजी के कोर से कनेक्टेड नहीं है, फैन से कनेक्टेड नहीं है और अभी ये 5-टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस को उतना ही बाहर से जानते हैं जितना RCB के बॉलर्स को। मुंबई इंडियंस के साथ एकदम दिल का रिश्ता जोड़ना और कैप्टन्स और प्लेयर्स से कनेक्ट होना एंड साथ ही साथ विनिंग मेंटालिटी लाना इन प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है। क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट ही देख लो, सिराज और अर्शल RCB के साथ इतने टाइम से है कि रीस टॉपली को आके बॉलिंग में सेटल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो चीज आएगा उसके परफॉर्मेंस में दिख रही है। बाय द वे, न्यूज़ ये भी है कि टॉपली की इंजरी न्यूज ये भी है कि टॉपली की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, तो बंदा होपफुली नेक्स्ट मैच से खेलने लग जाए, अनलाइक RKN मामा जो रूल आउट ही हो गए सीजन से। वैसे भाई लोग, गेम्स ही पे इस समय टीम बना के खेलने का बहुत सही मौका है। कैश डिपॉजिट करने पे तुम लोग के लिए बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। अगर तुम 25 से लेके 100 के बीच में कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो तुम्हें अप टू 200 रुपीज मिल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर बड़े अमाउंट यानी 1000 से 2500 के बीच में डिपॉजिट करते हो तो सीधा अप टू 5600 का कैश बोनस मिल सकता है। तो जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ही ज्यादा बोनस मिलेगा और फिर उन्हीं रिवॉर्ड से तुम लोग अपनी टीम किसी मेगा कॉन्टेस्ट में उतार सकते हो और रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। तुम्हें पता है यार, यहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट की विन प्रोबेबिलिटी 100% है, तुम इन कॉन्टेस्ट में हार ही नहीं सकते हो। बस पैसे डिपॉजिट करते समय आईफोन IPL 23 कोड यूज कर लेना और बोनस तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। और जिस यूजर ने सबसे ज्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे होंगे प्लस द टोटल एंट्री फी ऑफ ऑल द कॉन्टेस्ट, उस यूजर को आईफोन 14 मिल सकता है वीक के एंड पे। तो डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करो और लखनऊ वर्सेस चेन्नई के मैच में अपनी टीम बना के खेलो और साथ ही आईफोन जीतो। खैर देखो, मेरा पॉइंट यह है कि रोहित शर्मा के लिए अभी मेजर प्रॉब्लम यह है कि इन बॉलर्स को कैसे संभाले और अगर टीम का स्ट्राइक बॉलर ये रन खा रहा है तो बंदा किसके पास जाए, किस पे भरोसा करे। अब इस सीजन के लिए अनलकी है कि बुमराह भी नहीं है और पोलार्ड भी रिटायर हो गए, तो रोहित भाई करे तो करे क्या। और मैं नहीं बोल रहा यार, मैं इस पूरी थ्योरी में 100% राइट हूं, लेकिन तुम पीयूष चावला की बॉलिंग ही देख लो इस मैच से, IPL में एक्सपीरियंस दिख रहा है बंदे का। आई थिंक इस न्यू और एकदम डायनामिक से बॉलिंग अटैक को मैनेज करने में रोहित शर्मा को भी टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ बहुत मेहनत भी लगेगी। मतलब टीम के थोड़े से लगने वाले हैं, इसीलिए मैंने प्रेडिक्शंस वीडियो में भी बोला था कि मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस टॉप 4 में आ पाएगी। लेकिन मुंबई फैंस के लिए भी बोलूंगा, अगर आ जाती है तो गुड यार, अच्छी बात है। टीम के लिए कोई हेट नहीं यार, बस अपना ओपिनियन ही दे रहा हूँ। देखो अच्छी बात ये थी कि सेकंड इनिंग्स में ना सही, लेकिन फर्स्ट इनिंग में तो एटलीस्ट हमने मुंबई इंडियंस की फाइटिंग स्पिरिट तो देख ली और वो भी उस बंदे से जो सिर्फ 20 साल का है और सबसे कम सैलरी लेके भी टीम का पूरा बोझ उठा रहा है। भाई तिलक वर्मा क्या ही खेला, मैं तो बोलूंगा इसको जितना खिला सकते हो खिलाओ भाई, जितना ऊपर खिला सकते हो उतना ऊपर खिलाओ। नंबर 3 पे तिलक वर्मा और नंबर 4 पे सूर्या मुझे ज्यादा सही कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्योंकि टिम डेविड और कैमरन ग्रीन फिनिशिंग के लिए है ही और बेंच पे ऑलरेडी स्टब्स
और डेविड ब्रूस जैसे प्लेयर्स हैं जो आके मोस्टली सीधा मारना पसंद करते हैं, बट अगर ये बंदा इतने प्रेशर में ऐसी इनिंग्स खेल सकता है तो ये मुंबई इंडियंस की नंबर 3 की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। बट ये सिर्फ नंबर 3 की है, नंबर 2 और 1 का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी ये गारंटी तो है नहीं कि ईशान किशन कितना बढ़िया खेलेगा। 15 करोड़ भाई सिर्फ कीपिंग के ले रहे हैं अभी तक तो। ऊपर से कैमरन ग्रीन जिसने 17 करोड़ तो ऐसे लिए थे जैसे अकेला ही मैच जिता देगा टीम को, पर इस मैच में जितने रन मुश्किल से बनाए उतने तो कोहली भाई ने छक्के ही मार दिए थे। क्या मतलब इस मैच में अंबानी जी ने 65 करोड़ खर्च करे सिर्फ 35 रन बनाने के लिए। मैं वैसे सोच रहा हूँ प्रेडिक्शन से ना रिटायरमेंट ही ले लूं। एक मैच में क्या सही हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, अगले मैच के लिए 4 प्रेडिक्शंस कर दी और उनमें से सिर्फ एक ही सही हो पाई, जिसकी हम बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे और कोई कमेंट्स में बेइज्जती नहीं करेगा। तो जब रोहित भाई पहले मैच में आते ही सीधा 50 मार देंगे, लेकिन इससे बढ़िया तो बंदा टेस्ट मैचेस में खेल जाता है। हाँ, बट आरसीबी फैंस बोला था ना जीतेगी और जीती भी, तो तुम लोग तो एटलीस्ट लाइक कर देना और वीडियो की थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ा देना। देखो हर्षल भाई तो अपने फॉर्म में वापस आ ही गए, लेकिन सिराज की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किए बिना वीडियो में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वहां मुंबई के बैट्समैन T20s में टेस्ट वाली बैटिंग कर रहे थे तो बंदा बॉलिंग भी वही करा रहा था। अनबिलीवेबल इकोनॉमी, मैं बता रहा हूँ, सिराज लीडिंग द बॉलिंग एंड कोहली लीडिंग द बैटिंग। बस ये चीज चल गई ना तो चाहे MS धोनी का लास्ट सीजन ही क्यों ना हो, लेकिन आरसीबी को फिर ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता। बाय द वे भाई लोग 50% से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब मारो। देखो तुम लोगों ने बोला चेयर पे आके वीडियो बनाओ, तो मैं वापस आ गया ना चेयर पे और मैं बना रहा हूं भाई। नहीं बनाऊंगा यार खड़े होकर वीडियो, चेयर में बैठ के बना लूंगा, पर तुम सब्सक्राइब करो उसी बात पे। ये जॉस बटलर भाई रन मारते थकते नहीं है क्या भाई? बंदा इतना ऑफसेस दे कोहली भाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कि आईपीएल के पहले मैच से ही तैयारी चालू है। अब वो अलग बात है कि कोहली भाई इस सीजन नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आया है, तो जॉस भाई इतना आसान तो नहीं होने वाला। जब तक बटलर भाई बाउंड्री मारने में लगे हुए थे बेचारी चेयर गर्ल्स को भी बैठने को नहीं मिल रहा था, तब आरसीबी वर्सेस MI मैच के लिए इतना एक्साइटेड थे कि इस मैच को तो किसी ने पूछा ही नहीं ढंग से। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बैटिंग लाइनअप वर्सेस बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के बीच में मैच हुआ और रिजल्ट तो तुम्हारे सामने ही है। वैसे कहां की बेस्ट बैटिंग भाई, इससे ज्यादा तो इनके कैप्टन एडन मार्करम ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप क्वालिफाई कराने के लिए मार दिए। ऐसा फॉर्म लेके एडन मार्करम आके ऐसी बैटिंग देखेगा तो क्या कहेगा? अब वही बात है, टू मेनी ऑप्शंस का नतीजा भी कभी-कभी ऐसा हो ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, पहला मैच था और कैप्टन भी अभी नहीं है तो इतना हार्श नहीं होते हैं। भूमि भाई ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन बॉलिंग कैप्टन होने के बावजूद भी टीम ने 200+ रन खा लिए। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों, जब 13.5 करोड़ खर्च करो और उसके बाद भी तुम्हारा प्लेयर T20s में टेस्ट खेल के जा रहा है तो शक्ल ऐसी ही हो जाती है। और देखो मैं सिंप नहीं कर रहा, लेकिन SRH की टीम से एक रिक्वेस्ट है कि यार अपनी परफॉर्मेंस सही कर लो, कावे जी को इतना सैड नहीं देखा जाता यार। सैड कर रहे हो हमारी कावे जी को, इतना रुला दिया ना बेचारी को। अब ब्रुक ने पहले मैच में भले ही पैसे का चूना लगा दिया हो, लेकिन मुझे देखो इस पे भरोसा है ये आगे अच्छा करेगा ही, और क्योंकि आईपीएल डेब्यू था तो इतना हार्श नहीं होते बंदे पे। अब जब स्टोक्स, ग्रीन, करन, ब्रुक सब अंग्रेजों ने मिलकर हमें लूट ही लिया तो सह लेंगे थोड़ा। लेकिन SRH का स्कोर कार्ड उठाओगे तो सिर्फ नटराजन ही था जिसने थोड़ी सी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी। बट मेरे लिए सरप्राइज तो उमरान मलिक के 2 सिक्सेस निकले भाई, 150 की बॉल भी डालता है और बोल्ड को चौका और छक्का भी मारता है, और कितना टैलेंट छुपा रखा है इस बंदे ने। RR की बात करें तो नंबर 3 तक सब सॉर्टेड था। जयसवाल और बटलर की पार्टनरशिप एक पॉइंट पे इतनी क्रेजी थी कि प्रोजेक्टेड स्कोर 295 दिखा रहा था। हाँ, 295। और संजू भाई के लिए तो सीजन की फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म करना आम बात हो गई है। बस जब से पर्टिकल ने आरसीबी को छोड़ा है उसके फॉर्म ने भी उसको छोड़ दिया है। वैसे आरसीबी से याद आया, एक और एक्स आरसीबीएन था जो इस मैच में अलग ही खेल रहा था, मतलब चहल भाई इस सीजन की भी पर्पल कैप नहीं छोड़ने वाले। समझ नहीं आता कि ऐसी परफॉर्मेंस इस बंदे की इंटरनेशनल मैचेस में क्यों नहीं आती है। बट ट्रेंट बोल्ट भाई, ये बंदा विकेट निकालने की मशीन है। अभी तक समझ नहीं आता मुंबई इंडियंस ने इसको जाने कैसे दिया। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, राहुल चहर, कायरोन पोलार्ड और क्रुणाल पांड्या, ये होता था भाई चैंपियन मुंबई इंडियंस का बोलिंग अटैक। और अब तो तुम्हें पता ही है। अगला मैच अपना फेवरेट है भाई, राहुल भैया को फिर से देखने में मजा तो बहुत आने वाला है और मैं तो होप कर रहा हूँ कि बंदा कम से कम 150 तो मार ही दे यार इस मैच में। KL राहुल के लिए आईपीएल में फास्टेस्ट 50 तो ऐसे ही आ जाती है। बट प्रेडिक्शन ये रहेगी कि CSK मैच जीतेगी, क्योंकि गायकवाड़ भी फॉर्म में है और धोनी 4 साल बाद अपने होम यानी चेन्नई में आके खेल रहे हैं, मतलब उनका होम नहीं CSK का होम। तो समझ ही रहे हो हारेगी तो नई टीम। और ये प्रेडिक्शन सही रही तो अपना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा वापस आ जाएगा। बाकी टीम मैंने बना ली है, सब सही रहा तो इस बार KL भाई जरूर मारेंगे भाई, फिर से भरोसा दिखा रहा। देख लो और तुम भी गेम्सी को डाउनलोड कर लो और अपनी टीम बना लेना, और अगर तुमने अभी तक प्रेडिक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके वो भी देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। जब तक बटलर भाई बाउंड्री मारने में लगे हुए थे बेचारी चीयर गर्ल्स को भी बैठने को नहीं मिल रहा था।